Cooperative learning, as the name is showing, that students learn through cooperation in different groups. That is the group-based uh, actually instructional method, and uh, students are divided into different uh, uh, groups, and uh, they are divided uh, based on their uh, different abilities and uh, whatever they have. Some students are very good mathematicians. Some students are very good IT. IT they have IT skills. सम स्टूडेंट्स आर गुड पेंटर्स हैव वेरी गुड ड्राइंग स्किल्स तो हम मुख्तफ एबिलिटीज़ और मुख्तु इंटेलिजेंस वाइज ग्रुप स्टूडेंट्स uh, को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं किसी भी काम को करने के लिए या प्रोजेक्ट को करने के लिए उसमें पाँच जो बेसिक एलिमेंट्स हैं बड़े ज़रूरी हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस होनी चाहिए यानी ये नहीं होना चाहिए कि पाँच लोग अगर एक ग्रूप में है उसमें सिर्फ दो लोग काम कर रहे हैं बाकी तीन जो हैं वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारा भी काम आप कर दें अक्सर हमने ग्रुप्स में देखा होगा कि बच्चे इस तरह से करते हैं कॉपी पेस्टिंग कर लेंगे अपना पार्ट जो है वो पूरा नहीं करते तो इंटर डिपेंडेंस का मतलब ये है कि भाई ये आपका काम है इंट्रोडक्शन अब क्लोयर आप करके लाएंगे और वो जो बॉडी है प्रेजेंटेशन ये करेगा और उसका चौथा काम जो है वो मैं करूँगा तो अब जो इंट्रोडक्शन वाला अगर एबसेंट हो जाता है तो आप किस तरीके से आगे शुरू कर सकते हैं काम ये इंटर डिपेंडेंस बताई जाए इंपॉर्टेंस बच्चों को कि आप हम सब ने मिलकर इस ग्रुप को जो है वो सक्सेसफुल करना है एक हेल्दी कंपटीशन क्लास में होना चाहिए ग्रुप्स के दरमियान में तो फिर इस तरह की इंटरडिपेंडेंस जब आप कर लेते हैं कि एक पार्ट के बगैर टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तो फिर जो है ये मीनिंगफुल कोलेबरेटिव वर्क बन जाता है उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है भाई हर बंदा अपने काम का ज़िम्मेदार है ये नहीं कि टाइपिंग एक ने करनी है तो सारी स्लाइड्स उसको भिजवा दी और सारे उसका इंतज़ार करें कि वो तो आज एबसेंट हो गया है जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती हर एक के पास अपने पार्ट की जो है वो अकाउंटेबिलिटी है उसके बाद कोलेबरेटिव जब आप एक पूरा प्रोजेक्ट बना लें तो सबको एक एक कॉपी आपने भिजवानी है ताकि किसी एक के एबसेंट होने की वजह से बाकियों का काम जो है वो रुक ना जाए ये अक्सर क्लास में हमें ये इशू देखना पड़ता है अच्छा आगे प्रोमोटिव इंटरेक्शन है कि आपका काम जो है वो ये नहीं है कि ग्रुप में भी आप एक दूसरे के साथ मुकाबला करें और एक दूसरे को पीछे करने के लिए टीचर को शिकायत लगाएं कि ये मैंने ज़्यादा काम किया है इसने कम काम किया है बल्कि आपको अपने ग्रुप के हर मेंबर को रिस्पेक्टफुली लेके चलना है और टीचिंग एंड लर्निंग को प्रमोट करना है हमने हमने ये नहीं कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आके टीचर के सामने फेवरेट बनने की कोई, कोई कोशिश करनी है बल्कि स्टूडेंट्स को ये टीचर को गाइड करना चाहिए कि हर बंदा मेरे लिए इक्वल equal है इक्वली इम्पॉर्टेंट है इसलिए हर एक का काम भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ग्रुप प्रोसेसिंग कैसे होगी सोशल स्किल्स सीखते हैं ऑब्वियसली दे आर शेयरिंग एवरी थिंग विद ईच अदर दे विल यू नो मेक न्यू फ्रेंड्स और उससे बच्चों की काफ़ी सोशल लर्निंग जो है वो होती है और ग्रुप प्रोसेसिंग भी होती है एज ए ग्रुप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं इंडिविजल जो है कंपटीशन वो वाला काम जो है काफ़ी उनका डिक्रीज़ हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि हम सोसाइटी में भी एक ग्रुप की तरह हैं तो ये भी ग्रुप जो है इसकी सक्सेस के लिए हम सब ने मिल काम करना